हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं तो ठीक नहीं हूँ अभी, मेरी आवाज़ से आप लोग समझ सकेंगे। तो आज है यानी कि मायना वाला दिन है आज। मायन बोलते हैं हमारे यहाँ पे बांदा जिला में, तो उसी की उधर तैयारियां चल रही हैं। मैं आ गई थी इधर नहाने धोने, उधर टेंट लगा हुआ है, वो चाची का घर है और ये लोग का सॉरी मुझे 8 दिन से ज़्यादा हो गए, मेरा भी गला और ज़ुकाम ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे कई जगह का पानी पिया, सफ़र और नींद पूरी ना होना, ये सब बीमार होने के लक्षण हैं। तो मैंने एक वीडियो 2-3 दिन पहले अपलोड की थी, तो जस्ट उसी के आगे की ये वीडियो है। तो आज है मायने वाला दिन। कल उस दिन वाले वीडियो में मैंने हमारे यहाँ जब तेल चढ़ता है उस दिन का मैंने एडिट करके डाला हुआ था। ये देखिए, ये है मेरी भतीजी, जो कि ये बहुत ज़्यादा सैतानी करती है, छोटे से टब में बैठी है। मैं छत पे आई थी तो मेरे साथ आ गई थी, यहीं पे बैठी है, नेल पेंट लगा रही थी, तो जल्दी जल्दी अपने भी लगवाया हाथ में और पैर में। और मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी, लेटूँगी, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था, मुझे फीवर आ रहा था 2 दिन पहले से ही। तो मैं लेट गई हूँ और मेरा ये सर फट रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा, जाने क्यों हो रहा सर में दर्द। सुबह भी मैं आधे घंटे आके धूप में चाय वगैरह पीने के बाद लेटी थी। कल है बारात, कल तो देखिए मैंने पायल पहन ली, दिखाती हूँ, ये मेरी पाजी, पैर मेरे बड़ा। तो अब आ गए हैं इधर, खाने की तैयारी हो गई थी, तो उधर वो दो आंटी आई थी, वो बना रही हैं खाना और सबको जल्दी जल्दी खिलाएंगे खाना, क्योंकि टाइम तो हो ही जाता है इतने लोगों में, कितना भी जल्दी करो टाइम तो हो ही जाता है। तो ये देखिए, ये मेरे जीजा जी जो कि सलाद, हम दोनों मिलकर सलाद कट कर रहे हैं। दीदी भी है नीचे बैठी है, वो भी कट कर रही है, छीलते जा रहे हैं जीजा जी और मैं कट करती जा रही हूँ। यहीं पर रखी थी चने की भाजी, इन लोगों ने खाई होगी, गाँव से आई होगी। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग खा रहे हैं माएँ जो बनती हैं ये आटे की गोल गोल, किनके यहाँ बनती हैं कौन कौन जानता है मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो ये गुड़ के साथ बटती है, ये पहले भूजी जाती है उसके बाद फिर खाना खाया जाता है। तो वही इधर सब मम्मी लोग, भाभी, मामी सब लोग बैठी है, क्योंकि कुछ काम होता नहीं है, खाना वगैरह वाली लगी है, बस सबको परस के खिलाना ये काम है अपना। और सब लोग खा रहे हैं, इधर पापा हैं, भैया लोग हैं, ये सारे भाई हैं, वो सामने हैं, दीदी का बेटा। तो हमारे सब भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत, जितनी तारीफ करें उतने कम है भाइयों की। ये मेरा गांव वाला भाई है ये जो बैठा हुआ है, हम लोग बहुत मानते हैं सब। तो ये देखिए, टेंट तो लग गया था कल, लेकिन कुछ कुछ मौसम फ्रेंड्स इधर का बहुत ज़्यादा ख़राब था। इधर मैं भी खाना खा रही हूँ, भैया बैठा है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, इतना आंधी पानी तूफान कि सारा टेंट तो गिर ही गया था अगले दिन। तो ये देखिए, शाम का टाइम हो जाता है और ये मेहंदी की रस्म शुरू होती है, हल्दी मेहंदी की, पहले हल्दी यहीं पर फिर बाद में मेहंदी की हो जाएगी। तो चाचा है, चाची हैं और इस ये है भाई जिसकी हो रही है शादी। तो चाचा मेरे टीचर हैं और बहुत सीधे साधे जो हैं चाचा, और इसकी हो रही है अब हल्दी की रस्म की शुरुआत। समझ नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फंक्शन में शामिल होना पड़ता है अगर गए हैं तो। तो आज का दिन तो मेरे लिए, ये वाला दिन, हल्दी वाला दिन मेरे लिए बहुत बेकार गया, बहुत यहाँ धूम धड़ाके से डांस वगैरह, खाना होने के बाद हल्दी मेहंदी का फंक्शन हुआ, उसके बाद खाना खाया, फिर फ्री होके कम से कम 2 से 3 बजे तक रात में डांस हुआ, डीजे बजा,
सब लोगों ने बहुत मस्ती की, खूब डांस किया, मैंने भी बैठ के देखा, एंजॉय किया। ये है मम्मी, तो अब इसकी हल्दी चढ़ रही है इधर से। मौसम बहुत ख़राब था, इस वजह से ये था कि फटाफट से कर लो बस। फिर उसके बाद हम लोगों को मतलब डांस करते करते ही बारिश आ गई थी, हवा तो चल ही रही थी लेकिन बारिश हुई। ये बेटियाँ बच्चियाँ जो हैं इतना अच्छा डांस करती हैं, इतना अच्छा गजब का डांस करती हैं भाई। ये सब भतीजियाँ हैं, गांव की हैं, कुछ यहाँ की, बहुत अच्छा डांस करती हैं, सब एक से बढ़कर एक है, तो कमाल कर जाती हैं ये। जब इकट्ठी होती है ना सबकी, सब बहुत बढ़िया डांस करती हैं। अब मुझे, मेरी मजबूरी थी जो कि मैं गाना नहीं डाल सकती हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा, वरना गाने के साथ अगर वीडियो डालती है आप लोग, बहुत मज़ा आता आप लोगों को भी सुनकर और देखकर। बस हम लोग बैठे हैं और ज़बरदस्ती मेरे को भी उठा उठा के, पहले बच्चियों का होगा फिर उसके बाद बड़े लोग करेंगे। कोई नहीं बचता है यहाँ पे, कोई भी हो, चाहे बीमार हो, कुछ भी हो, डांस तो करने ही पड़ेगा, उससे चाहे कुछ भी नहीं बनता हो, लेकिन उसको पकड़ के साड़ी भी लेके गई थी, येलो कलर की बढ़िया सी साड़ी लेके गई थी कि मैं चेंज करूँगी, अच्छे से तैयार होंगी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया था। जो सुबह सूट डाल लिया था, येलो ही सूट था, बस वही पहने रह गई थी, मेरी चेंज करने की हिम्मत नहीं बची थी, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था बस। तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हुआ हमारे, मेरे भाई की शादी, हल्दी फंक्शन। आने वाली अगली वीडियो में मैं पूरा बारात का डालूँगी, जो भी मैंने कैप्चर किया है। और इसी ने लगाई थी पूरी मेहंदी, ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। अब आ जाता है, ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का डांस करने का समय, यानी कि सारी भाभी लोग हैं, सारे बच्चे हैं, ये सबसे छोटा भाई है जो डांस कर रहा है भाभी के साथ, और ये सबसे बड़ी परिवार वाली भाभी है, परिवार में येलो कलर की जो साड़ी पहने हैं वो सबसे छोटा भाई, यानी कि भाभी देवर का डांस हो रहा है, बहुत मजाक वाला। सब लोग साइड हो गए हैं, खूब बढ़िया मस्ती हो रही है, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया सबने। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आने वाला है। और ऐसे ही अभी मेरे मेरे वीडियो आते रहेंगे। ये देखिए मैं अभी एकदम शांत खड़ी हूँ, लेकिन ये जो ग्रीन साड़ी में है भाभी, तो ये मुझको पकड़ के ले जाएंगे, इनकी बैटरी मेरे बिना चार्ज नहीं होती है, तो ये मुझे लेकर जाएंगे, ये मेरे बिना डांस करती नहीं, कहीं भी होंगी घसीट के ले जाएंगे, ना ही इनसे ज़्यादा बनता ना ही मुझसे। ये देखिए मुझे पकड़ने आई, कितना भी छुपके मैं खड़ी होती हूँ लेकिन ये मुझको ले जाती है पकड़ के। अब मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरे पैर नहीं उठ रहे थे बिल्कुल भी, लेकिन जबरन ये ले जाती है पकड़ के, फिर थोड़ा सा मटक मुटुक देती हूँ मैं भी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये देखिए सबका डांस, आप लोगों को कैसा लगा? काश मैं इसका म्यूज़िक भी डाल पाती तो आप लोगों को सच में बहुत मज़ा आने वाला था। ये लामा लामा घूंघट पे डांस हो रहा है, तो ये सब लोग लगे हुए हैं, म्यूजिक के साथ बहुत मज़ा आता देखने में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ फिर वीडियो का आप करेंगे एंड। वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
ताकि वीडियोस में मेरे अब बिल्कुल भी वॉइस वो सॉरी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं इस समय, और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा अभी सही नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो रोज़ डाल पाऊँ, रोज़ अपलोड करूँ। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स।